नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया पाठक, आई एम ए योग थेरेपिस्ट एंड फाउंडर ऑफ निरंकारी योगा सेंटर। मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि भी मेरी एज बहुत ज्यादा है और मैं योगिक एक्सरसाइजेस नहीं कर सकती, ये योगा के टफ टफ आसन मैं नहीं कर सकती, तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। आप किसी भी एज में ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही यूनिक और सिंपल एक्सरसाइजेस, जिसको करने से एक तो आप काफी रोगों से परे होंगे और दूसरा आपका योग में विश्वास बनेगा और आप ग्रेजुअली उन टफ एक्सरसाइजेस की ओर और उन टफ आसनों की ओर बढ़ते जाएंगे। ये जो सिंपल एक्सरसाइजेस है बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है और साथ में ये आपकी कई प्रॉब्लम्स को हील करेंगी, स्पेशली आपके लोअर लिम की प्रॉब्लम्स, आपके पेल्विक गर्डल को खोलेगी, जो एक उम्र के साथ हमारा जमना शुरू हो जाता है, जुड़ना शुरू हो जाता है, हमारे हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाएंगी, लेग्स में पेन जा रही हो उसको कवर करेगी, आपके शेटिका पेन के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस रामबाण है, आपके फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, इवन आपकी नेक पेन के लिए ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। चलिए और व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए हम अब देखेंगे इन एक्सरसाइजेस को और आप ये एक्सरसाइजेस साथ साथ कर भी सकते। एक्सरसाइज में आपने सीधा देखते हुए जितना हो सके अपनी टांग को ऊपर ले जाना है। करते जाएंगे आप 10 काउंट तक, ये एक टांग से कर सकते हैं। अब दूसरी टांग से आरंभ करेंगे और जितना आप अपने पंजों को अंदर रखते हुए एड़ी खींचते हुए ये एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। 10-10 की काउंट देना है आपने और फिर इसी एक्सरसाइज को आपने 1 by 1 अटेम्प्ट करना है। 1 by 1, यस, इससे आपके पेल्विक गर्डल खुला रहेगा, वो जुड़ेगा नहीं। ये एक्सरसाइज आपकी लेग्स में दर्द के लिए बहुत हेल्प करेगी, स्टिफनेस के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए, इवन जिनको शेटिका की दर्द है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। इस एक्सरसाइज में आपने अपनी टांग बिल्कुल सीधी रखनी है और क्रॉस लाइक अ पेंडुलम आपने अपनी टांग मूव करनी है राइट। कोशिश यही होगी कि राइट पर भी 90 डिग्री और लेफ्ट पर भी 90 डिग्री टच करें। यस, दोनों टांगों से आपने 10-10 काउंट अटेम्प्ट देना है। जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा पेल्विक गर्डल जो है वो रुकता जाता है, जाम होता जाता है, पर इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपने पेल्विक गर्डल को बहुत ही अच्छी प्रकार से लुब्रिकेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने अपना ऑपोजिट घुटना कोहनी को टच करना है, यानी राइट एल्बो को लेफ्ट नी टच करेगा और लेफ्ट को राइट। ये एक्सरसाइज आपकी टांगों की सारी स्टिफनेस ठीक कर देगी, आपके नी की स्टिफनेस, एंकल की स्टिफनेस, ये सारी एक्सरसाइजेस ये शेटिका पेन के लिए रामबाण का काम करेंगी। इसको आप 20 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने पुशअप्स करने हैं दीवार के साथ, ये आपके शोल्डर्स की स्टिफनेस, इवन आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हील होगी इस एक्सरसाइज से। और ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, कोई भी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। इसमें हम 15-20 काउंट आराम से दे सकते हैं। सेम एक्सरसाइज हम विद क्लैप भी कर सकते हैं। जान आ जाएगी आपके आर्म्स में, शोल्डर्स में, और इससे आपके कोर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होगी आपके ब्रेस्ट एरिया से, आपके स्टमक एरिया से, और इवन बैक फैट भी कम होगा।
इसके भी आप 15 टू 20 काउंट आराम से दे सकते हैं। स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में आपने आराम से टर्न लेते हुए और जिस साइड हम टर्न ले रहे हैं पीछे वाली एड़ी हमने उठानी है और दोनों हाथ बिल्कुल दीवार के ऊपर लगाने का प्रयास करें। इससे आपकी कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी मेल्ट होगी, पेट की भी, चेस्ट की भी, शोल्डर्स की भी, आपका इंटेस्टाइन ट्विस्ट होगा इस एक्सरसाइज से, जिससे आपके इंटेस्टाइन में जमा हुआ मल भी निकलेगा। तो इसके आप 20 टू 40 काउंट दे सकते हैं बड़े ही आराम से। गर्दन भी आपने साथ ही घुमानी है और पीछे वाली एड़ी जरूर उठानी है, इससे आपके घुटनों पर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में आपने बड़े ही आराम से गर्दन को पीछे करते हुए दीवार को हाथ लगाने हैं। ध्यान रहे आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल दीवार पे लगे, सिर्फ फिंगर से टच होकर वापस ना आए। इससे आपकी स्पाइन को जीवन मिल जाता है और अगर सांस लेते हुए छोड़ते हुए अच्छे से इस एक्सरसाइज को किया जाए तो ये और ज्यादा इफेक्ट देती है। आपके पेट की चर्बी, चेस्ट की चर्बी, कंधों की चर्बी और स्पेशली आपकी शैटिका पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, इवन स्लिप डिस्क के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक्सरसाइज सारे कर सकते हैं, बिगनर्स भी और किसी भी एज में ये एक्सरसाइज की जा सकती है आराम से। इस एक्सरसाइज में आपने दीवार के साथ बिल्कुल चिपक जाना है। अब आपने एक टांग उठानी है अप डाउन एड़ी खींचते हुए, बिल्कुल अपनी स्पाइन को दीवार के साथ लगाए रखना है। हाथों से सपोर्ट देंगे और ये आपने 10 टाइम अपनी लेग अप डाउन करनी है और इसी प्रकार से आपने अपनी दूसरी टांग भी 10 टाइम अप डाउन करनी है। और इस एक्सरसाइज को हम 1 by 1 भी करेंगे, 1 by 1 करेंगे इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज से हमारी टांगे चलती रहेंगी, टांगों में जान बरकरार रहेगी, हमारा पेल्विक गर्डल ठीक रहेगा, हमारी स्पाइन ठीक रहेगी, कमर ठीक रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोर स्ट्रांग होगा, लोअर अबडोमिनल फैट कम होगा। इसमें आपने आराम से अपनी टांग को 90 डिग्री पे करते हुए एड़ी को बिल्कुल खींचते हुए अपनी टांग को बेंड स्ट्रेट करना है, जैसे हम किक मारते हैं उस प्रकार से 10 एक साइड से एंड देन 10 दूसरी साइड से, फिर 1 by 1 भी आपने ये अटेम्प्ट करना है। स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी लेग्स में, आपके ज्वाइंट्स लुब्रिकेट रहेंगे और ये एक्सरसाइजेस बहुत इजी हैं। दीवार का सपोर्ट दिया गया है, गिरने का भी कोई डर नहीं, अलाइनमेंट की कोई चिंता नहीं, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपनी टांगों में जान ला सकते हैं, शरीर में एनर्जी ला सकते हैं, स्फूर्ति का पूरा संचार हो जाएगा आपकी बॉडी में। आई एम 100% श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने ये एक्सरसाइजेस साथ साथ में की भी होंगी और इनका पूरा लाभ लिया होगा और अपने आप में एक एनर्जी को महसूस किया होगा। कृपया आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है कृपया करके कमेंट में अपना सवाल लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।